हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टिकटॉक पे अपनी फाइल से अपनी फाइल से वीडियो अपलोड करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपने जाना है अपने टिकटॉक एप्लीकेशन पर और उस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। तो जैसे मैंने करा हुआ है तो उसको पेज को लोड होने देना है आपको। देखिए आगे इंटरफेस, तो बीच में बीचों बीच प्लस का नीचे आइकन है सफ़ेद बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है आपको। फिर जो एक लाल सा बटन आ गया देख रहे हो आप, एक इसका ब्लैक जो वाइट बैकग्राउंड है उसके बराबर में एक निशान है सफ़ेद सा जिस पर लिखा हुआ है अपलोड। ठीक है, राइट हैंड पे देखिए आप अपने स्क्रीन का जो राइट साइड है उस पर देखिए नीचे की तरफ अपलोड लिखा हुआ है सफ़ेद बॉक्स में, उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी जो अपलोड करनी है। हाँ तो ये फाइल में मेरे एक फोल्डर है इरेजर के नाम से, इरेजर पे जाके इरेजर है एक्सपोर्ट है, हाँ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे जाके वो जो वीडियो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो मेरी वीडियो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कर देता हूँ नेक्स्ट। तो ये मेरी वीडियो है, तो इसको ऊपर आपको वीडियो को हर वीडियो के ऊपर एक घेरा दिख रहा है, एक गोल दिख रहा है एक ऊपर की तरफ, उस पर क्लिक करते हुए वाइट हो जाएगा। उसके बाद कर देना है आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट का आ रहा है बटन, उस पर नेक्स्ट पे कर देना है। लाल बॉक्स में नेक्स्ट का बटन आ रहा है, उस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमारी वीडियो तैयार हो रही है अपलोडिंग के लिए। तो मुझे इस वीडियो में एक म्यूज़िक भी ऐड करना है, ठीक है, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ आपको। उसके लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो इसी वीडियो में आप उसको भी सीख सकते हैं कैसे करना है। तो देखिए हमारा वीडियो हो चुका है, ऊपर लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो हम करते हैं नेक्स्ट। अभी देखते हैं, अभी इससे आप इस वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं, एक बार प्ले करके देख लेता हूँ मैं। और आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा काट भी सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो नीचे आप देख सकते हो आता नेक्स्ट करने पर नीचे इस तरफ लेफ्ट में आपके नीचे आ रहा है म्यूज़िक, एक म्यूज़िक का आइकन बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है साउंड लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर इफेक्ट साउंड का ऑप्शन आ रहा है काफ़ी सारे। साउंड पर क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारी म्यूज़िक आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैं प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप इधर से क्या करना है, मैंने तेरी बात सुनी है, इसे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, ये अच्छा नहीं है, इसे प्ले करते हैं, ये भी ठीक नहीं है, ये वाला प्ले करते हैं, और आई थिंक ये वाला ठीक है। मम्मी नू अगर आपको गाना पसंद आ जाए तो वहाँ पे एक राइट का ऑप्शन है लाल बॉक्स में, उस राइट पे क्लिक कर देना है। देखिए अब हमारा वीडियो चल रहा है, उसके बाद आता है नीचे एक बटन आता है नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, उसमें नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे लाल से बॉक्स में आता है पोस्ट का ऑप्शन, आपको इस पूरी प्रोसेस के दौरान याद रखना है लाल बॉक्स का निशान कहाँ कहाँ पर आ रहा है, वहीं वहीं टिक कर देना है। तो देखिए ऊपर देख सकते हैं आप हमारा वीडियो चल रहा है, हमारा वीडियो वीडियो हो रहा है हमारा पोस्ट बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही बन मेरा घर दरवाजा बन जा वो तेनू देख जावा तेरा बन मेरी रानी तेरा राजा बन जा तू ही मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए भोली सी सू। तो देखिए दो वीडियो ऑलरेडी पोस्ट थे, अब देखिए अब वो वीडियो पूरी होने के बाद में तीन वीडियो हो चुकी है, मैंने पहले पोस्ट की दो वीडियो थी, तीन वीडियो हो चुकी है, हमारा म्यूजिक पैड हो चुका है, शायद आवाज़ भी आ रही होगी, पहले म्यूजिक था लेकिन इसमें म्यूजिक ऐड कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।